iris, colored part of the eye that adjust pupil size. आयरिस क्या है? कलर्ड पार्ट है आई का, जो कि पिपिल के साइज को एडजस्ट करता है. कौन करता है? आयरिस. आयरिस का काम है. द आयरिस द फ्लैट रिंग शेप्ड मस्क्यूलर कलर्ड पार्ट ऑफ द आई विच सराउंड्स द पिपिल इज द आईज लाइट रेगुलेटर. आई का लाइट रेगुलेटर है हमारा कौन? आयरिस है, कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करे आँख में, कितना नहीं करे, वो आपको उसका निर्णय कौन लेता है? आयरिस, है ना. आयरिस ही रेगुलेट करता है लाइट को. अगर लाइट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? पिपिल को सिकोड़ लेगा, छोटा कर लेगा. अगर लाइट कम है तो पिपिल को वो बढ़ा देगा, उसके साइज को बड़ा कर देता है ताकि लाइट ज़्यादा अमाउंट में इंटर करे. द आयरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द पिपिल टू इंक्रीज और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई. आयरिस क्या करते हैं? पिपिल के साइज को इंक्रीज और रिड्यूस करते हैं ताकि वे लाइट के एंट्री को रेगुलेट कर सके. जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आयरिस और कलर डायफ्राम. और ठीक आपका कॉर्निया के पीछे ही आयरिस बैठा रहता है. ठीक है, कहाँ रहता है? ठीक आपका कॉर्निया के पीछे. यहाँ आयरिस जो देखिएगा कलर डायफ्राम रहते हैं वो मौजूद रहते हैं. अगर इसे हम लोग एनाटॉमिकली देखें तो ये हमारा आयरिस है, है ना. ठीक कॉर्निया के पीछे इज द आयरिस, जिसे कि हम लोग कहते हैं ऑल्सो क्या? कलर डायफ्राम. कलर डायफ्राम कौन है? तो आयरिस है. आयरिस इज फ्लैट या फ्लैट होता है, कलर्ड कलर्ड होते हैं और रिंग शेप्ड होते हैं, रिंग के शेप में होते हैं. मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई, और ठीक कॉर्निया के पीछे ये होते हैं हमारे को आयरिस. कंजुक्टाइवा. द कंजुक्टाइवा इज ए थिन क्लियर म्यूकस मेम्ब्रेन. कंजुक्टाइवा क्या है? एक पतला सा थिन क्लियर साफ रूप से दिखाई देने वाला पारदर्शी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है दैट कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा, जो कि फ्रंट पोर्शन बनाता है स्क्लेरा का. द कॉर्निया एंड द इनसाइड ऑफ द आईलिड्स, और कॉर्निया और आईलिड्स के अंदरूनी जो भाग हैं उसका फ्रंट पार्ट जो है वह क्या होता है? कंजुक्टाइवा होता है. इट प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन टू द आई, या क्या करता है? आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंजुक्टाइवा. एकदम इस तरह से रहेगा बाहर में, है ना, और ये आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. बट इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, यानी कि उसको चिपचिपा बनाना, है ना, लुब्रिकेट रखना ताकि वो फिसलन वाला रहे, वहाँ पर घर्षण नहीं रहे, फ्रिक्शन नहीं रहे. साइनी चमक बनाता है एंड रिफ्लेक्टिव, और रिफ्लेक्टिव बनाता है कौन? कंजुक्टाइवा. कंजुक्टाइवा का मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट प्रोवाइड लुब्रिकेशन, सेकंड साइनी एंड थर्ड रिफ्लेक्टिव. प्यूपिल एडजस्टेबल होल इन द सेंटर ऑफ द आई. प्यूपिल क्या है? एडजस्टेबल होल है जो कि आई के सेंटर में रहता है. द पिपिल इज एन अपैरचर और होल. पिपिल क्या है? एक अपैरचर है या होल है इन द सेंटर ऑफ द आई, जो कि आई के सेंटर में रहते हैं. दैट अलाउज लाइट थ्रू टू स्ट्राइक द रेटिना, और इस पिपिल के माध्यम से ही लाइट प्रवेश करता है आई में, और वहाँ से प्रवेश करके वो स्ट्राइक करता है कहाँ? रेटिना पर. रेटिना पर जो आई पड़ती है उसकी एंट्री पॉइंट कहाँ से होती है? एपरेचर या होल से. जैसे कि कैमरा जो होता है ना, जिससे आप फोटो खींचते हैं, तो उसमें जो आपका छिद्र जहाँ से आपका लाइट प्रवेश करता है और इमेज बनता है, फोटो खिंचाता है, वो एपरेचर और होल हमारे आई में है, दैट इज प्यूपिल, है ना. कहाँ रहते हैं? लोकेटेड है सेंटर ऑफ द आई. इट इज एक्चुअली क्लियर बट लुक्स ब्लैक, या क्लियर होता है, साफ होता है, लेकिन दिखता कैसा है? ब्लैक. जो ब्लैक पोर्शन है ना, वही है प्यूपिल हमारी आंखों का. बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स लाइट रैदर देन रिफ्लेक्टिंग इट.
ब्लैक क्यों है भाई? जब ये क्लियर है तो ब्लैक क्यों है? क्योंकि यह लाइट का अधिकांश भाग को एब्जॉर्ब कर लेता है, मोस्टली पार्ट को यह क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रिफ्लेक्ट करने के बजाय, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है बल्कि एब्जॉर्ब करता है सबको, इसीलिए ब्लैक है। देयर इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आयरिस, आप देखिए अपनी आंखों में ध्यान से, ठीक मिडिल में आपको आयरिस के मिडिल में, ये जो आयरिस है इस आयरिस के मिडिल में आप जब जाकर देखेंगे तो ठीक मिडिल में आपको दिखाई देगा ब्लैक पार्ट, विच इज कॉल्ड पिपिल ऑफ द आई, जिसे क्या कहते हैं, पिपिल, यही पिपिल है, पिपिल ऑफ द आई। दिस पिपिल इज अ होल, पिपिल क्या है, छेद है, यहाँ पर जो छेद है ना, यह छेद ही है हमारा पिपिल, इन द मिडिल ऑफ द आयरिस, ठीक आयरिस के मिडिल में होता है। द पिपिल अपीयर्स ब्लैक, पिपिल क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। क्यों ब्लैक होते हैं ये तो जान गए हैं, बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, क्योंकि यहाँ से किसी भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है।